मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन ट्यूटोरियल। क्लास 8 सब्जेक्ट SSC फिजिक्स सेक्शन ऑन इक्वालिटी पार्ट 6। टुडे वी लर्न अबाउट द इक्वालिटी Chapter 1, Civic Section, based on social and political life. The learning objects of this chapter are to understand that the Constitution of India upholds all Indians as equal. तो इस पार्ट में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो संविधान है पुष्टि करता है सभी भारतीय समान है। To find out why inequalities exist in our society. इस पार्ट में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारतीय समाज में inequalities यानी असमानता क्यों विद्यमान है। थर्ड पॉइंट टू लर्न दिस चैप्टर इज टू फाइंड आउट रिमेडियल मेजर्स टू कर्ब दिस inequality। और तीसरा पॉइंट है इस बात को पढ़ने का कि हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनको कम करने के उपचारात्मक उपाय कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल। बराबर होने की अवस्था या स्थिति को हम इक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी यानी समानता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल। भारतीय संविधान पुष्टि करता है कि सभी भारतीय बिना भेदभाव के समान हैं। इक्वालिटी लिटरली मीन्स ए प्रोसेस वेयर द गैप एंड द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल इज मिनिमाइज्ड। समानता का शाब्दिक अर्थ है वैसी प्रक्रिया से जहाँ दो व्यक्तियों के बीच का अंतर सीमित किया गया हो। दिस मीन्स दैट एवरी इंडियन विल गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। इसका मतलब यह है कि हर भारतीय को बिना भेदभाव किए जाति, धर्म, संप्रदाय से रहित समान रूप से कानून की अदालत में समान ट्रीटमेंट मिले, सभी को बराबर न्याय मिले। देर आर थ्री पैरामीटर्स थ्रू विच इक्वालिटी कैन बी मेजर्ड इन एनी सोसाइटी। तो थ्री पैरामीटर्स है, स्तर है किसी भी समाज की इक्वालिटी को मापने का। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता का अर्थ है हर एक नागरिक को समान नागरिकता देना, किसी राज्य या देश कि जो भी नागरिक हैं हर नागरिक को समान रूप से नागरिकता प्रदान करना। ग्रांटिंग मीन्स प्रदान करना। इक्वल सिटीजनशिप समान सामाजिकता। एंड ऑल्सो इंश्योरिंग कंडीशन दैट अलाउ द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और ये सुनिश्चित करना है कि जो राज्य में जो भी नागरिक हैं उनको समान रूप से अवसर मिले राज्य के सभी मामलों में। कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स एवरी इंडियन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव द राइट टू वोट। हमारे संविधान में हर भारतीय को जो 18 साल और उससे अधिक है को वोट देने का समान अधिकार दिया गया है। दिस राइट इज अंडरस्टूड एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और वोट देने का जो अधिकार मिला है उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
Universal adult franchise is an essential feature of all modern democracies as it ensures political equality in this society. आधुनिक लोकतंत्र में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सार्वभौमिक वॉइस मताधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसी से ये साबित होता है, सुनिश्चित होता है कि हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट एवरीवन इज इक्वल. इसका मतलब ये होता है कि हर भारतीय समान है, बट इन रियलिटी नॉट एवरीवन इज ट्रीटेड एज इक्वल. लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान तो दिया है सबको समान अधिकार, लेकिन इन प्रैक्टिस इन रियलिटी कई भेदभाव किए जाते हैं, सभी लोग बराबर नहीं हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक इक्वालिटी. आर्थिक दृष्टि से इक्वल होना इकोनॉमिक इक्वालिटी. संविधान में इस बात की जिक्र किया गया है कि हर भारतीय आर्थिक रूप से समान हो. इकोनॉमिक इक्वालिटी रिफर्स टू ए सिचुएशन और कंडीशन वेयर ऑल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री आर इक्वली वेल्दी बिकॉज दे हैव हैड द सेम अपॉर्चुनिटीज. इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ऐसी स्थिति परिस्थिति से है जहाँ हर सिटीजन्स हर नागरिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री मतलब एक विशेष देश के हर नागरिक को समान अवसर मिले, इक्वली वेल्दी समान रूप से समृद्ध हो, धन संपन्न हो, क्योंकि उन्हें समान अवसर मिलते हैं. दो इन रियलिटी पीपल हु आर पुअर और दोज हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक लोअर कास्ट और लोअर क्लास आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड. लेकिन रियलिटी में वास्तव में देखा जाए तो जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन समाज से परे जो लोग हैं, लोअर कास्ट के हैं, लोअर वर्ग के हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है. थर्ड पॉइंट सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता. सामाजिक आय का समान वितरण से है. सोशल इक्वालिटी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स एंड बर्डन्स सच एज इनकम वेल्थ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सोशल इक्वालिटी का मतलब है समान रूप से वितरण. सामाजिक जो आय हैं या बर्डन्स जो बोझ हैं, धन है, संपत्ति है, अवसर है, शिक्षा है, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल, सभी को समान रूप से मिले. It is important to distribute equality in a manner that everybody enjoy its benefits in society. इसका मतलब है कि जो सामाजिक आय है, जो सुविधाएं हैं यह सरकार देती है, वो हर व्यक्ति को मिले, समाज में रहने वाले हर तबके के लोग को मिले और उसका लाभ उठाए. यह सोशल इक्वालिटी. लेकिन इन रियलिटी हम देखें तो ये लागू नहीं होती है. सोसाइटी में हर व्यक्ति समान नहीं है. सोशल इक्वालिटी देखें तो ये लागू नहीं होता है. जो गरीब है और जो धनी है उनके बीच जो खाई है बहुत ज़्यादा है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. अगले दिन फिर से हम आगे पढ़ेंगे. होमवर्क फॉर द डे, these are the words, just find out the meaning from your dictionaries and try to understand. Thank you, have a nice day.